आज हम आए हैं ग्राम चांदूपुर में। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं श्री प्रदीप त्रिपाठी जी। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन अच्छी पैदावार लेते हैं गन्ने की, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या करते हैं। हमने आसपास के भी यहाँ खेत देखे हैं, तो इनके यहाँ जब आए तो सबसे अच्छे इनके पेड़ी के भी पौधे के भी सबसे अच्छे खेत हैं और कई वैरायटियाँ इन्होंने लगा रखी है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या काम करते हैं खेती में जो इतनी बढ़िया पैदावार लेते हैं, और कितनी पैदावार आप गन्ने की निकालते हैं आप ज़रा बताएं त्रिपाठी जी। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप के पास इस समय कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं गन्ने की। हमारे पास प्रजातियाँ तो 3-4 हैं, 15-023, अच्छा 118 और 98-14 जी। ये 3-4 वैरायटियाँ हमारे पास हैं। अच्छा, आप बवाई कितने फीट पे गन्ना बोते हैं? बवाई हम 4 फीट पे गन्ना बोते हैं। 4 फीट पे, अच्छा। और इसके साथ कोई दूसरी फसल भी लेते हैं आप? इसके साथ हम आलू की फसल ले लेते हैं। अच्छा, आलू लिया था। तो ये 15-023 कितना एरिया है आपका, कितने बीघे बो रखा है? ये 2 बीघे। इसके साथ में क्या बोया था? आलू बोया था। तो आलू और इसके बगल वाला ये 98-014 लगा हुआ है। तो ये टोटल मिला के कितना एरिया है इसका? 1 एकड़ है। तो 1 एकड़ में भी आलू आपने लगाया था? सब टोटल आलू लगा दिया। तो इसमें कितना आलू आपने पैदा किया? आलू 35-40 क्विंटल हो गया था। 35-40 क्विंटल आपने आलू पैदा किया। आटम में बुआई की थी। अच्छा, तो आलू आपका कितने पैसे का बिक गया? 30-35 हज़ार रुपये का हो गया आलू, बेच दिया, खाने के लिए रखा हुआ। अरे वाह, तो इससे आपका जो है खर्चा भी निकल आया है, और ये आपका गन्ना भी अच्छा खड़ा है। अच्छा गन्ना। आपने क्या क्या इसमें किया है? इसको पहले नंबर में हमने गहरी जुताई की। अच्छा, कहाँ से? प्लाऊ से की। गुड। हाँ, प्लाऊ से जुताई करने के बाद हमने इसमें पटेला लगाया, फिर इसमें जैविक खाद डाली। हाँ, खाद कहाँ से लाए थे? चीनी मिल से लाए। हाँ, राखी हुई, राखी भी लाए थे। जैविक खाद भी डाले, दोनों चीज़ें डाले। हाँ, फिर इसमें हमने जुताई बढ़िया खूब अच्छी गहरी की। हाँ, खेत बढ़िया तैयार किया भुरभुरा। फिर इसमें प्लाऊ से इसमें गन्ना बोया 4 फुट पे। ट्रंच से आपने 4 फुट पे बोया? 4 फुट पे गन्ना बोया। और उसमें भी आलू बोया था? उसमें भी आलू बोया था हमने। साफ बीज की जगह थी, उस पर आलू बोया था। आलू बो दिया था। तो आप कितनी पैदावार ले लेते हैं गन्ने की? हम लमसम 100 क्विंटल जेटे बेटे पैदा करते हैं। 100 के ऊपर तो जाता हमारा गन्ना है। 100 के ऊपर पैदा। हाँ, अभी आपने इस साल कितना टारगेट किया है? अब तो हम 120-125 तक, 150 तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 150 तक क्विंटल तक हम एक बीघे में पैदा करें। तो आप इतनी बढ़िया पैदावार लेते हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे दूसरे किसानों को भी कुछ सुझाव देंगे जिससे वो भी अच्छी पैदावार ले सकें। बिल्कुल देंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के बारे में? किसान भाइयों से यही हम कहना चाहते हैं कि गहरी जुताई खेत की करें, जैविक खाद डालें, राखी डालें, और फिर ट्रेंच विशेष की बुवाई करें। अच्छा, और प्रजातियों के चयन में कौन कौन सी आप बताना चाहेंगे, कौन कौन सी प्रजाति किसान? 15-023। अच्छा, और 118 है, ये भी अच्छा गन्ना है। और ये वाला कौन सा है? 98-014। अच्छा, ये इधर बगल में आया। तो इसकी 98-014 की आप कितनी पैदावार लिए हैं इस साल? 100 क्विंटल के ऊपर होगी। 100 क्विंटल के ऊपर लिया है। और 0118 की कितनी पैदावार आपने ली है? वो भी 100 क्विंटल गई। 100 क्विंटल के लिए। अच्छा, 15-023 पहली बार लगाया है? 15-023 पहली बार। ये कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ, आपके सामने है जो। और पेड़ी में आप कितनी पैदावार लेते हैं? पेड़ी भी हम 70-80 क्विंटल बीजे निकाल लेते हैं। अच्छा, पेड़ी में आप क्या क्या करते हैं? कैटून में हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप पेड़ी में क्या क्या करते हैं? पेड़ी में हम DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, खुदाई जुताई निकाई सब कराते हैं। जुताई निकाई पेड़ी। हाँ, अच्छा, ठीक है त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे पैदा करें, और ये डालमिया चीनी मिल आपके सहयोग के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। हमारे स्टाफ भी हैं जो आपको समय समय पर सारी चीज़ें बताते रहेंगे, और आप अच्छे से करिए, हम लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।